चाहूंगी कि वो भी सहकारिता से जुड़े और सहकारी बैंक से लोन लेकर अपना कुछ जैसे पशुपालन का, खेती बाड़ी का कार्य को बढ़ाने की कोशिश करें। हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर जो हमारी आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। हमारे जो किसान भाई है वो इतनी मेहनत करते हैं, गर्मी में सर्दी में हमारे लिए अनाज और फल सब्जियां उगाते हैं। हमारे किसान सबके अन्नदाता है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और हमारे जो किसान भाई हैं आजकल तो शिक्षित हो गए हैं, हमारे अधिकारों के प्रति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो भी सहकारिता से जुड़े, अपने कार्य को बढ़ाने की कोशिश करें। और मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगी कि वो भी एक योग्य और शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल रहे तो सहकारिता से जुड़े, लोन ले और अपना कुछ कार्य शुरू करने के बारे में सोचे। और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी जो कि आज इतनी सफल हो रही है कि हमारी बेटियां जैसे आप सिविल सर्विस का एग्जाम आया है, इतनी कठिन परीक्षा में भी हमारी बेटियों ने देश में अपना अव्वल स्थान प्राप्त किया है। हमारी जो बेटियां हैं वो हर मुकाम पर सफलता हासिल कर रही है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, राजनीति का हो, हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। और हमारी बेटियां हैं वो देश के उन्नति और विकास के कार्यों में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। हमारी बेटियां हैं वो हमारी अभिमान है, बेटियां हैं वो घर घर की शान है। तो बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। हमारी बेटियां दो घरों का नाम रोशन करती है, बेटियों हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विशाण गांव की माताओं बहनों ने और मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को इतना प्यार सम्मान दिया, उसका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।